हे गाइस, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ 12th NIS वाले बच्चों के लिए, और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, हिस्ट्री के चैप्टर की हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक साल आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में जो है हमने 2 चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चैप्टर नंबर 1 और अगर 2 की बात करें तो हर एक चैप्टर में से हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, बताए थे विद आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से, और अच्छे से उनको डिस्कस भी किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 लेकर आ गई हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने अक्टूबर वाले जो है मंथ में एडमिशन ले रखा हो या फिर आपको अप्रैल में एग्जाम देने हो। दोनों ही सेशन के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेबस सेम होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उन सभी के यही होते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, उसका जो शीर्षक है मतलब पाठ का जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उनको देख लीजिएगा और अच्छे से अपने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लेसन का, चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नाम है हमारे लेसन का, तो हड़प्पा सभ्यता से ही हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता के महत्व पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। आंसर आपको देखना है, आंसर कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि इस सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान प्रदान किया है। मतलब पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब में जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं 3000 ईसा पूर्व की स्वीकार की गई हैं, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता भी उन्हीं में से एक स्थान रखती है। इससे भारत को भी एक प्राचीनतम सभ्यता का देश माना गया, और ये भी सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता और उसके पश्चात की वैदिक सभ्यता के मध्य में समय की कोई दूरी नहीं थी। ठीक है, अपितु 3000 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई भारतीय सभ्यता का जो प्रवाह था वो अविरल गति से बहता रहा, और डॉक्टर आर के मुखर्जी ने इसके समय को ऋग्वैदिक सभ्यता के साथ सम्मिलित किया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ इस तरीके से आपका फिनिश होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में हैंड टू हैंड, क्योंकि याद ऐसे कभी कभी भूल जाते हैं चीज़ों को हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देती हूँ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बतानी है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जान लिया है, अब आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, और ये भी बताना है कि इसे नगर सभ्यता क्यों कहा जाता है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, कि अभी हड़प्पा सभ्यता को नगर सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि नगर का जो निर्माण था उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अमेजिंग था। चलिए आंसर में आपको पता चल ही जाएगा वो तो, लेकिन निसंदेह यानी अनडाउटली कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की अनेक उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इतिहासविद जो हैं वो भी, यानी जो इतिहास के जानकार होते हैं वो भी यही मानते हैं कि निश्चय ही हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ थी। समकालीन का मतलब जो उस टाइम की बाकी सभ्यताएं थी उनमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उन सबसे बढ़िया थी, सबसे श्रेष्ठ थी, सबसे उम्दा थी। ठीक है, और इस सभ्यता की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अब आपको यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, विशेषताएं ध्यान रखनी है, जो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि पहली क्या विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की, कि भी सुव्यवस्थित नगर योजना। नगर योजना का मतलब जो शहर थे वो किस तरीके से बने हुए थे, सड़कें कैसी थी, वहाँ का पानी का निकास कैसा था, नली गली मोहल्ले कुछ इस तरीके से, तो वो सब कैसे थे, एक वेल व्यवस्थित थी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया था, वेल मैनेज थी एक तरीके से वो। तो पहला पॉइंट ये है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से नगर की योजना हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलती थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी नगर योजना थी। नगरों का निर्माण ऐसे सुव्यवस्थित वाली इतने बेहतरीन और सही ढंग से किया गया था। तो चलिए आगे बढ़े थे कैसे ढंग से किया गया था, बट उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप इस पूरी वीडियो का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पा सकते हैं। मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है 7303838 और 500 कुछ इस तरीके से हमारा नंबर है। आप क्या करिए, इस नंबर से हमसे जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको NIS से लेकर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, TMA के सोल्यूशंस होते हैं, या फिर जितनी भी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं, सभी के सभी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF होते हैं फाइल होते हैं
वो सभी हम आपको डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम आपको सेंड कर देते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली वहाँ से हम पर हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, डायरेक्टली आप हमसे कोई भी वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम आपको वहाँ पर आंसर करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। लिंक मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जो है लिंक पर जस्ट क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है, आइए और ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो है हम विशेषताएं जान रहे थे, तो पहली क्या थी, सुव्यवस्थित नगर योजना, मतलब उसी को कंटिन्यू करते हैं कि इस तरीके से किया गया था कि इसका उदाहरण प्राचीन संसार में कहीं नहीं मिलता। इतना बढ़िया तरीके से नगर योजना की गई थी कि पूरे संसार में कहीं इस तरीके की नगर योजना देखने को नहीं मिली थी जैसी तब की जाती थी। दूसरा क्या है कि सुव्यवस्थित जल निकास व्यवस्था, मतलब पानी का जो निकाल था, मतलब जैसे कि नाली या नाले कहाँ को पानी, ड्रेनेज की जो सुविधा थी वो बहुत ही कमाल की थी, बेहतरीन थी। तो हड़प्पाई लोग में साफ सफाई का विशेष महत्व था, जल का जो निकास था वो जो व्यवस्था थी वो बड़ी उचित थी और व्यवस्थित थी, एकदम बढ़िया वेल मैनेज की हुई थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, मतलब उस टाइम में भी लोगों ने इतना अच्छे तरीके से नाली नाले और जो पानी के निकास की जो योजना थी वो बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। आज की तरह नहीं है, आज हमने मतलब इतना डेवलप हो गए हैं, हम इतना विकास कर लिया, फिर भी अगर आप देखो तो गली मोहल्ले में औरतें लड़ती रहती हैं कि बहन तूने मेरी जो है नाली के यहाँ पर अपना कूड़ा ऐसे ही गिर दिया आगे को, या फिर कितना होता है अभी भी हमारे समाज में क्या देखा जाता है कि जो जल निकास की व्यवस्था रहती है उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं होती, कुछ हम लोग उसको बेकार कर देते हैं, इधर उधर कूड़ा करकट गिर करके। चलिए तो होगी अलग बात, हम बात कर रहे थे हड़प्पा की, तो बहुत अच्छी नाली और पानी के निकास की जो व्यवस्था थी काफ़ी बढ़िया थी उस टाइम की। अब है देखिए आपका उचित नागरिक प्रबंध, अगली जो जो विशेषता थी हड़प्पा की वो ये थी कि उचित नागरिक प्रबंध था। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ उसको मैं, हाँ, नगर प्रबंध, मतलब जो शहरी शहर का प्रबंध किया गया था, मैनेजमेंट किया गया था, बहुत कमाल तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया था, सर्वोत्तम ढंग का था वो भी। जगह जगह पर पेयजल की यानी पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था थी, गलियों में रोशनी का भी प्रबंध था, जैसे कि आज हमारे टाइम में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, तो तब हो सकता है कुछ लैंप लालटेन इस तरीके से चीज़ें जलती हों गलियों में ताकि रोशनी प्रॉपर तरीके से बनी रहे। और यात्रियों के लिए सराय का निर्माण, मतलब छोटे छोटे जो सराय होते हैं, एक होटल होते हैं ठहरने के लिए, ठीक है, वो भी उचित ढंग से किया गया था। और गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था थी। चलिए अगली विशेषता देख लेते हैं, तो हड़प्पा की जो कला थी और धर्म वो अगली विशेषता थी उसकी, तो हड़प्पाई लोग कला में भी निपुण थे, खुदाई में प्राप्त अवशेषों से उनकी पुष्टि हो जाती है, मतलब कला के भी ये प्रेमी थे, खुदाई से प्राप्त चीजें हमें बताती हैं, मूर्तियों की स्वाभाविकता देखने को बनती है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता विश्व की इतनी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि भाई कि क्या क्या विशेषताएं होंगी, तो ये सब पता चलता है खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं से। जो खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता पूरा का पूरा नगर मिला है हम लोग को, तो उससे पता चलता है इतिहासकारों को कि भी हाँ उस टाइम पे क्या क्या विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि लेसन का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है, तो पहले क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना और दूसरे क्वेश्चन में हमने डिस्कस की है उसकी विशेषताएं। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, केंद्र आपको यहाँ पर बताने हैं, गाइस ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हड़प्पा सभ्यता अवश्य ही नागरिक सभ्यता थी, आज तक इस सभ्यता से संबंधित लगभग 150 स्थानों पर खुदाई हो चुकी है, ध्यान रखना है कितने स्थानों पर खुदाई हुई है, अभी तक 150 स्थानों पर खुदाई हो चुकी है हड़प्पा सभ्यता से लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि शताब्दियों तक तथा विशाल क्षेत्र में इस सभ्यता में सांस्कृतिक, आगे बढ़ लेते हैं, तो सांस्कृतिक एकता रही है वो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कीप स्टडी इन पाई स्टडी, पाई स्टडी सर्कल नाम का गाइस हमारा चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलेंगी, प्लेलिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की हमारी, जैसे की TMA के सोल्यूशन की, NIS इन्फॉर्मेशन की, 10th 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलना, और ऑल वाला नोटिफिकेशन आप लोग जो है प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें, और जब भी क्या लगभग रोज ही हम वीडियोस डालते हैं, कभी कभी दिन में दो वीडियो भी जाती है हमारी, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोज होती है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो और छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको लगता है दैट आपकी हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता बट हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी जो है 12th क्लास में हो आपका फ्रेंड, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर क्या प्रॉब्लम आपका इसमें आ रही है आप ये मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, सो आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि एकता रही है इस सभ्यता के नगरों की खुदाई से
ये बात स्पष्ट है कि वे लोग नगर योजना बनाने में बहुत निपुण थे, ठीक है। नगर का जो निर्माण करते थे बहुत बढ़िया तरीके से वो करते थे। इस क्षेत्र में वे समकालीन मेसोपोटामिया के लोगों से बहुत आगे थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनसे भी एक कदम वो आगे थे, एक नहीं कई कदम आगे थे। प्राचीन संसार के किसी भाग में शायद ही कोई उनकी तुलना में हो, मतलब पुराने उस टाइम के समाज में हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई दूसरी सभ्यता मिलना ही इम्पॉसिबल था, मुश्किल था। उनके कुछ प्रमुख नगरों का वर्णन इस प्रकार है, यानी अब आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। पहला इंपॉर्टेंट नगर था मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आपने देखी हो ऋतिक रोशन की, देखेगा, मूवी अच्छी है बट ज़्यादा चली नहीं थी आई थिंक। तो ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में एक है और इसकी नगर निर्माण योजना जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है मोहनजोदाड़ो की। आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा है, दूसरा जो नगर था वो था हड़प्पा। ये स्थान पाकिस्तान जिला पिंटगुमरी में रावी नदी के तट पर स्थित है और लाहौर से लगभग 1 मील की दूरी पर है। इस शहर की खोज किसने की थी? गाइस दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा का सबसे बड़ा भवन यहाँ का विशाल गोदाम है और उसके अंदर कई कमरे और बरामदे हैं। हड़प्पा के कुछ अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिलते जुलते हैं। थर्ड है चमुंदड़ो, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नगर भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की भांति अब पाकिस्तान में ही है और सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण की ओर है चमुंदड़ो आपका जो ये शहर है। एंड द फोर्थ इज कालीबंगन। तो कालीबंगन के बारे में भी आपको क्या ध्यान रखना है, कालीबंगन कहाँ पर है सबसे पहले आपको ये देखना है। चलिए स्क्रोल कर देती हूँ, हाँ जी, राजस्थान में 25 स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई। कितने स्थानों पर प्राप्त हुई? 25 स्थानों पर। कहाँ पे? राजस्थान में। इनमें से कालीबंगन सबसे प्रसिद्ध है, सबसे फेमस है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित मीताथल तथा कई अन्य स्थानों से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, वीडियो को गाइस प्लीज जो है शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ एंड व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन आपके सामने नंबर है 7303838 और 500, जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और पाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। चलिए लोथल है पांचवा आपका प्रमुख नगरों में। तो गुजरात काठियावाड़ में स्थित लोथल नामक टीले तथा रंगपुर रोजदी सोमनाथ आदि नगरों की खुदाई से भी अनेक मोहरे और कई अन्य वस्तु मिली हैं जो सिंधु घाटी के अन्य नगरों से मिली वस्तुओं से क्या होती है, मिलती जुलती है। नेक्स्ट है आपका बावली, मतलब वो वाली बावली नहीं, बावली नगर का नाम है ये। तो ये स्थान हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। इसके अवशेष काफी कुछ कालीबंगा से मिलते जुलते हैं और यहाँ भी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दो संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, कोटला निहंग खां, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बनता है गाइस। 1953 ईस्वी में रोपड़ के निकट कोटला निहंग खां नामक एक स्थान पर खुदाई के बाद यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और अनुमान ये है कि भी उत्तर भारत में सॉरी के उत्तर में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार सतलुज नदी तक हो चुका था। कहाँ तक हो चुका था? सतलुज नदी तक उसका विकास हो चुका था हड़प्पा सभ्यता का उत्तर भारत में। तो ये कुछ हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बढ़ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से बन सकते हैं और लॉन्ग आएगा तो बढ़िया बात है ही। और पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ हुई, तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में भी काम करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार क्षेत्र भी आपको बताना है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में बताना है, विस्तार क्षेत्र भी बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और निर्माण अथवा निवासी के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, कोई एक फिक्स नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जस्ट ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ के नगरों से प्राप्त पुरातात्विक सामानों से भी यहाँ के निवासियों अथवा उत्पत्तियों के बारे में बताना कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता थी, तो इसके बारे में सही सही डेट बताना है, सही सही दिन तारीख बताना, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इनके बारे में कुछ अनुमान ही लगाए गए हैं, अनुमानों के थ्रू ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ये तब हुआ होगा, तब हुआ होगा। कुछ लोग द्रविड़ जाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता बताते हैं, द्रविड़ जाति के लोगों को बताया जाता है कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया था, द्रविड़ जाति के लोगों ने किया था। और कुछ लोग इसका निर्माता उन्हीं आर्यों को बताते हैं, ठीक है, आर्यों को बताते हैं जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के जन्मदाता कौन है भाई, पश्चिमी एशिया के सुमेर जाति के लोग, यानी कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ का कुछ मत है, सब अलग अलग सबकी ओपिनियन है। तो बस एक तथ्यों के या फिर एक अनुमानों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है। अब आगे पूछा था क्वेश्चन में, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ है हमारा, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताना है आपको गाइस। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, विस्तार का मतलब फैलाव, ठीक है। प्रारंभ में इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें आए थे, लेकिन
पिछले कुछ वर्षों में अनेक स्थलों में की गई खुदाई से उनके स्थान प्रकाश में आए हैं। थोड़े दिन पहले जो जगह जगह पर मतलब खुदाई हुई उनके हिसाब से अलग अलग स्थान प्रकाश में आए, अर्थात उत्खनन में इस सभ्यता के विस्तार की जानकारी मिलती है। इस सभ्यता के संबंध में कहां कहां से बलूचिस्तान, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, इसके अलावा काठियावाड़, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रायद्वीप तथा गंगा घाटी में पाए गए हैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में दक्षिण से करीब 100 किलोमीटर और पश्चिम में पूर्व से कितने 1600 किलोमीटर था तथा पश्चिम था, और यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। तो कुछ इस तरीके से विस्तार था इसका हड़प्पा सभ्यता का। अब आगे बढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के, सॉरी यहाँ पे हाँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। पतन का मतलब वो खत्म क्यों हुआ, हो गई हड़प्पा सभ्यता, उसका जो है विनाश क्यों हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह आपको जाननी है, कारण जानने हैं। चलिए बढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी, पता है मैंने पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है ये, जिसका जो प्रावीव है वो कहाँ से था, 2300 ईसा पूर्व तक हुआ और वहीं यह 1750 ईसा पूर्व तक विलीन भी हो गई। तो क्या हो गया, पहली ईसा पूर्व 18वीं सदी के समापन तथा इस प्रदेश के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो था वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, और इस विशाल सभ्यता के विलीन होने के एक नहीं अनेक कारण थे। जैसे जो मेन कारण है वो अब हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। तो गाइस, हड़प्पा सभ्यता के जो पतन का पहला कारण माना जाता है, दैट इज जलवायु परिवर्तन। जलवायु मतलब मौसम में बदलाव। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे एक कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जाता है, क्योंकि उत्खनन में ऐसी कई साक्ष्य मिले हैं, ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह संभावना व्यक्त की गई है कि हो सकता है जैसे जैसे मौसम बदला उस हिसाब से जो है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसका विनाश हो गया। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, लाइक कर दीजिएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, बाढ़ और भूकंप आए हों। भाई कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विशाल और समृद्ध सभ्यता का अंत संभव है बाढ़ एवं भूकंप से हुआ। हो सकता है कि बाढ़ और भूकंप से इसका विनाश हो गया हो, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश प्रदेश महान नदी के आसपास स्थित थे और जॉन मार्शल के निर्देशन में किए गए मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से यहाँ के विभिन्न स्तरों से बालू की परतें प्राप्त हुई हैं जो बाढ़ के प्रकोप को प्रमाणित करती हैं। हो सकता है बाढ़ आया हो, ऐसे कुछ सबूत मिले हैं कि बाढ़ या भूकंप आया हो और उसकी तरफ से हड़प्पा सभ्यता विनाश हो गई हो, खत्म हो गई हो। तीसरा है हमारा बाहरी आक्रमण कर दिया हो भाई किसी ने। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंधित एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि इस सभ्यता को विदेशी लोगों ने भी आक्रमण करके क्या कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। एंड द फोर्थ एंड फाइनल जो वजह हो सकती है हड़प्पा सभ्यता के विनाश की वो ये है कि महामारी फैल गई हो कोई, जैसे कि भाई अभी कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। तो विद्वानों का एक समूह ये भी विचार व्यक्त करता है कि इस सभ्यता का विनाश विभिन्न घातक बीमारियों के फैलने से हुआ होगा। तो दीज आर द यू नो फैक्ट्स के ये हो सकते हैं, दीज आर द रीजंस कि क्यों हुई हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो डिक्लाइन क्यों हो गई, उसका पतन क्यों हो गया, विनाश क्यों हो गया। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, इसका विस्तार कहाँ हुआ और इसकी विशेषताएँ क्या थी, और अंत में इसका विनाश कैसे हुआ, ये सभी हमने इस थ्रू आउट द वीडियो जाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और पीडीएफ के लिए आप गाइस क्या कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा इससे पहले जो 2 चैप्टर ना हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उनके क्वेश्चन भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक एक चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करने लगा है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड पेस।